नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। बारिश की पहली पटनिया नदी उफान पर। ग्राम सिंगौड़ी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत पटनिया के गुन्नौर नदी में आज अचानक हुई बारिश के कारण पहली ही बारिश में उफान पर आ गई, जिससे ग्रामीणों के दोनों तरफ के गांवों का संपर्क टूट गया। ग्रामीणों की माने तो जब भी बारिश होती तो पटनिया जाने वाले इस पुल के ऊपर पानी आ जाता और लोगों को आवागमन को लेकर भारी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों को कई आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए भी पुल के ऊपर से पानी उतरने का घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिसके चलते आज बारिश के चलते ग्राम पंचायत पटनिया मार्ग और बड़े गांव के ग्रामीणों का संपर्क पुल पर पानी आने के कारण टूट गया, जिसे देखने के लिए क्षेत्र के ग्रामीणों का हुजूम लग गया। क्षेत्र के राहगीर किसान और वाहनों की कतार नदी के दोनों तरफ लग गया। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ की नदी के पुल को लेकर लोग बरसों पुराने समय से बड़े पुल के निर्माण को लेकर लगातार मांग कर रहे, लेकिन किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं। हर बारिश में लोगों को इस गुन्नौर नदी के पुल को पार करने को लेकर बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। हालांकि अभी बारिश पूर्ण रूप से प्रारंभ भी नहीं हुई कि ग्राम पटनिया की नदी उफान पर आ गई और लोगों को नदी पार करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। आए थे पटनिया जा रहे थे तो अचानक बाढ़ आ गई, तो सरकार से मांग है कि बड़ा पुल बनवाए, अब वो नदी उतरेगी आधे घंटे के बाद। गाड़ी लेके जा रहे थे? गाड़ी लेके जा रहा था। कौन सी गाड़ी है? ट्रैक्टर। क्या भरा ट्रैक्टर? ईटा भरी थी ट्रैक्टर। कहाँ खाली करना था? पटनिया पे। तो अब आपको इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। तो अब कब उतरेगा पुल? वो आधा एक घंटे के बाद उतरेगा। सरकार से ये मांग रख रहे हैं कि पुल बड़ा बना दे करके। पुल डूब जाता है, हम कहाँ से आ जाए? परेशानी क्या क्या आती है? परेशानी यही है कि काहे काहे जहाँ गाँव जहाँ में बड़ा पुल होना चाहिए जो। और क्या मांग है? और क्या, अपन जान जान के लिए सुविधा होना चाहिए। छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय की रिपोर्ट।